फजलुर रहमान की बड़ी हार हुई है, अली अमीन खान से हारे हैं फजलुर रहमान। फजलुर रहमान पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं और उनकी हार हुई है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फजलुर रहमान की बड़ी हार यहां पर हुई है, अली अमीन खान से हारे हैं फजलुर रहमान, जिनकी हार हुई है। फजलुर रहमान पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं और उनका इस तरह से हारना आखिर क्या इशारा कर रहा है? ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि वहां की जो आवाम है वो क्या चाहती है। तो पाकिस्तान ने इलेक्शन को लेकर काउंटिंग लगातार जारी है और एक के बाद एक नतीजे भी सामने आ रहे हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि फजलुर रहमान को हार मिली है, बड़ी हार हुई है यहाँ पर, अली अमीन खान से हारे हैं फजलुर रहमान। फजलुर रहमान पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं और उनका इस तरह से हारना अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या लोगों का भरोसा अब उन लीडरान से उठ रहा है जो एक बड़े ओहदे पर थे? और अब देखिए एक एक करके तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और फजलुर रहमान हार गए हैं ये खबर सामने आ रही है, अली अमीन खान ने उन्हें हराया है यहाँ पर। काउंटिंग कब तक पूरी होगी, देखिए थोड़े वक्त बाद ही ये जो तस्वीर है ये साफ हो पाएगी, लेकिन जब से काउंटिंग शुरू हुई है हम देख रहे थे शुरुआत में जो रुझानों में पीटीआई आगे चल रही थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि पीएमएलएन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो भी आगे बढ़ रही है यहाँ पर। तो कड़ी टक्कर दोनों ही पार्टियों में, पीटीआई और पीएमएलएन, लेकिन अब कौन इसमें से बाजी मारता है ये वक्त के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अहम खबर आपको बता दें कि फजलुर रहमान की हार हो गई है, बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के फजलुर रहमान और उनका हारना अपने आप में एक बड़ी खबर है। एक बड़े लीडर के तौर पर काम करते रहे हैं फजलुर रहमान पाकिस्तान में, लेकिन इस बार आवाम ने अपना भरोसा उन पर नहीं जताया और वो हार गए हैं।